यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं व्लॉग एक नए दिन की नई शुरुआत के साथ। मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट कर ही दिया है, मैं कहीं जा रहा हूँ। हाय, और आप कैसे हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कमेंट कर देना आपको हमारे पहाड़ के व्लॉग कैसे लग रहा है। तो आजकल छुट्टियाँ थी इसलिए हम गाँव आ चुके हैं अपने, और आपको अब हम अपने गाँव के अपडेट्स देंगे। और हमारे इधर की गौ माता है, गाय है, अपने खाने में व्यस्त है। और इधर जल पानी पीने की जगह है, पानी जहाँ से पी सकते हैं जिसको प्यास लगे। और देख सकते हैं कीड़े कितना वो कर रहे हैं, ची 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 ऐसे कर रहे हैं। और पूरी घास फूस होती है। और ये देख सकते हैं कितने खतरनाक रास्ते हैं, एकदम पैर एक पैर रखने की जगह है सिर्फ। ये देख सकते हैं इतने खतरनाक रास्ते हैं, आगे का हम चलते रहते हैं, आपको रास्ता भी दिखाते हैं कितना खतरनाक रास्ता है। ऊंचा, और चिड़िया भी चचा रही है। और इधर प्राकृतिक सोध है पानी का, और इधर से हमें जाना है। और इधर को जाता है पानी, ये देख सकते हैं कितना मुश्किल रास्ता है। और ताऊ तो आगे बहुत तेज चले गए। यहाँ पर भी पानी का स्रोत है, कुदरती पानी आता है हमारे यहाँ, बिल्कुल 24 घंटा चलता है कुदरती पानी है। इतना साफ पानी है, पी भी सकते हैं इस पानी को, अच्छा पानी है, साफ सुथरा पानी है। और गाय भैंस भी इस तालाब में नहाते हैं, और यहाँ से फिर पानी नीचे जा रहा है। हर दो चार कदम में, 10 कदम में आपको फिर पानी दिखता रहेगा हमारे गाँव में। ये कुदरती पानी है, बहुत अच्छा पानी है। और इधर चलना भी बहुत मुश्किल है। इसको पुआ गधर बोलते हैं, पुआ गधर है ये हमारे यहाँ का। और ये देखिए आप देख सकते हैं पहाड़ है, पत्थर आ गया ऊपर, पूरा पत्थर पहाड़ पर टिका हुआ था। पर इधर सर्दी, और अब देख सकते हैं कितना खतरनाक रास्ता है। अगर कोई पहली बार आए उसे पता नहीं चलेगा कि रास्ता है। और इधर चढ़ना इतना कठिन है ना, लोगों की सांस फूल जाती है। और वो ताऊ जी को देख सकते हो, ताऊ जी इतनी दूर चले गए, वो भी नंगे पाँव, और हम पीछे रह गए। श्री गुरु
आया सुन मेरे देवी पर शांति ब्रह्मा शांति सर्व में शांति शांतिर्दे शांति क्षमा शांति ओम शांति 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 सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यतु मा कश्चित् वाग् भवेतु आवाहनं ददामि ददामि विसर्जनं पूजां चेतां ददामि क्षमतापं परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं श्रीश्वरी यजभूजते मा देवी परिपूर्णी तत्रस्ते भोलेश्यावर राम भगवान की जय भगवती माता की जय गोरखनाथ की जय तिनर माई की जय जय हो तिनर माई हे भूमिया देवता हमारा रक्षा करिया हमारे कार्य के सिद्धि करिया सफल करिया चोला मुकर गल के अनुकूल मंत्र करिया लाज काली श्वास कर करिया हे तिनर माई हमारा रक्षा करी चोला मुकर गल के अनुकूल मंत्र करिया लाज काली श्वास जय हो प्रभु हे भगवान हे प्रभु हे प्रभु हे गुरु गोरखनाथ जी हे मातेश्वरी माँ हे माता रानी हे जगदम्बा भवानी हमर रक्षा करिया हमर कार्य के सिद्धि करिया सफल करिया जोला मुकल गल के अनुकूल मैप करिया लाटी काली स्वागत हम लगाया जय हो प्रभु हे स्टू हे भगवान हे प्रभु हे हरजु हे गुरु गोरखनाथ जी हे मातेश्वरी माँ का कोशी तू तोषी ब्रह्म तोषी क्षा करे प्रभु जय हो प्रभु हमकर जोल गल के अनुकूल मैप करिया लाटी काली स्वागत हम लगाया जय हो प्रभु हे स्टू हे प्रभु हे हरजु हे नाथ जी हे माता रानी हे अभी हमने पूजा कर ली है तिनर माई थान छो बहुत पुरानो छो जय हो प्रभु हेष्ट हे प्रभु तो गाइस अभी हमने कर लिया पूजा पूजा समाप्त हो चुकी है और अभी हम जा रहे हैं वापस अपने घर को और अभी हम आपको हर चीज़ अच्छे से दिखाएंगे कैसा कैसा है आज हम फटाफट आए थे मंदिर को अब आपको दिखाते हैं और ये देख सकते हैं पूरी घास है इसको पहाड़ी में गाजियो बोलते हैं इसे काट के स्टोर कर देते हैं जब ये हरी होती है अभी भी काटते हैं काटना शुरू कर दिया बोल अब लोगों ने काटना शुरू कर दिया है ये अपने गाय भैंसों के लिए स्टोर करके रखते हैं और ऐसा लग रहा है रास्ता है ही नहीं पूरा घास ही घास उग रखी है गाजियो उग रखा है और अगर कोई पहली बार आएगा उसको पता नहीं चलेगा कि ये रास्ता है यह है माता जी के मंदिर का द्वार ये द्वार फिर इधर से जाते हुए फिर उस तरफ को पड़ता है मंदिर और ये देख सकते हैं पूरा रोड पूरा पेड़ गिर रखा है रोड पर और हम भागते हुए जा रहे हैं भागो